ये यहाँ पे क्या स्टील डाला जा रहा है आपको मालूम है? नहीं नहीं, कुछ स्टील वगैरह कुछ भी तो आप खुद ही देख रहे हैं ना। नहीं, कहीं भी स्टील नहीं डाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये गाड़ी है लेकिन आपको कहीं भी स्टील नहीं दिखेगा। एक बार साइड में भिन रहते हैं। हाँ, इधर नहीं, वो काम में नहीं, उसमें एक काम में नहीं। इंजीनियर तो रहना चाहिए ना यहाँ पे, अभी खड़ी डाल रहे का टाइम में, तो ये टाइम पे तो रहना चाहिए ना इंजीनियर साहब। पलटी हो चुकी है और आगे भी और बाइक वगैरह भी सही घटना घट गई है और कई हॉस्पिटल बच्चे पहुंच चुके हैं। आदमी कितने ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे इसे? 140 का M40 है क्या? 140 M40 रहेगा ना। मेरे काम चालू भी कोई भी यहाँ पे कुछ मतलब शासन या प्रशासन कुछ देख नहीं रहा। तो कितनी हेवी व्हीकल्स यहाँ से पास होती है और उसके बाद में ये हाल है। देखिए ये अभी फट चुका है यहाँ पे, ये रोड जो है, क्या आप बताइए इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहेगी? पूरा जाली डाले, उसका जब टेंडर में पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं डालेगा? बराबर है, तो मतलब उसका टेंडर में है नहीं ये टेंडर ऐसा है कि तुम्हारे पास पुराना टेंडर है। ठीक है, इसमें स्टील नहीं रहेगा तो वो छोड़ देगा ना बारिश के अंदर? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। इस कंपटीशन के जमाने में अच्छे एजुकेशन के साथ साथ जरूरी है अच्छी स्किल। द राइट वे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं हाईली डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज, सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज जैसे MLT, DMLT, BFarm, DFarm और ऐसे कई स्किल कोर्सेज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और खास वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स पूरी तरह से फ्री है विद जॉब गारंटी। तो आज ही विजिट कीजिए द राइट वे इंस्टीट्यूट, सेकेंड फ्लोर साई बाबा मार्केट, अपोजिट बाबू भाई बूट हाउस, नियर नजराना टॉकीज, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस इज़ नॉट सुनी का स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, तो वही दांत हम आज आपको यहाँ पे दिखाएंगे भिवंडी। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के भिनार गाँव में, यहाँ पे जो ढाबे की लाइन है, मेरे एक तरफ कशिश ढाबा है, एक तरफ शिमला ढाबा है और यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि कंक्रीट रोड का काम चल रहा है। ये भी भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, MLA रईस शेख जो है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया आता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नासिक रोड पे ये काम चल रहा है कंक्रीट का, और कंक्रीट की रोड पे क्या चीज़ें होनी चाहिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जब कंक्रीट रोड बनता है तो कंक्रीट रोड के अंदर पहले उसको लेवल किया जाता है, लेवल करने के बाद में उसको सीमेंट से पहले एक लेयर बनाई जाती है, उसके ऊपर स्टील डाला जाता है और उस स्टील के ऊपर फिर बाद में वापस से कंक्रीट डाली जाती है और कंक्रीट के ऊपर जो है सीमेंट से उसको दोबारा लेवल किया जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है ये। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ, थोड़ी सी जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक काम चल रहा है तो यहाँ पे हमें खबर मिली थी कि जो स्टील का जो पार्ट होता है, जो स्टील की लेयर होती है जो डाली जाती है, जो स्टील की जाली डाली जाती है, वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे हमने जब देखा, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे कि कहीं पे भी आपको स्टील नजर नहीं आ रहा, ना जाली डालते हुए, ना आसपास में भी यहाँ पे कहीं स्टील नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि इधर पे कल सुबह में कंक्रीट की गाड़ी आने वाली है, जबकि 200 मीटर का ये लोग यहाँ पे 200 मीटर के उसमें मिक्सर डालने वाले हैं, सीमेंट का और कंक्रीट का मिक्सर जो होता है वो यहाँ पे डालने वाले। 200 मीटर की जाली बनाने के लिए आप सोचो कितना स्टील लगेगा और कितना समय जाएगा, लेकिन यहाँ पे आसपास में कहीं भी हमको स्टील नहीं मिला। हमने यहाँ पे इंजीनियर से बात किया, जबकि सबसे पहली बात कि अगर काम चल रहा है यहाँ पे तो डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है। उसके बाद में जिस कंपनी द्वारा ये काम चल रहा है उनका एक इंजीनियर यहाँ पे मौजूद है और उसने कहा है कि यहाँ पे हम लोग स्टील डाल रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के, जैसे मैंने आपको बताया कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, तो ये लोग दिखाने जितना स्टील डाल रहे हैं, खाने जितना स्टील नहीं डाल रहे। तो अब आप बताइए कि इतनी मेहनत से जो रोड बन रहा है उसके बाद में इस रोड की क्या लाइफ रहेगी, इस रोड की क्या ड्यूरेबिलिटी रहेगी? एक बारिश जाने के बाद में ये रोड जो है दोबारा सीमेंट कंक्रीट का रोड जो है दोबारा खराब होने वाला है, इसकी हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टील पूरा मिसिंग है।
अब भाई आप यहीं रहते हो क्या? आप थोड़ा सा बात करेंगे क्या हमारे साथ? ये यहाँ पे क्या स्टील डाला जा रहा है क्या आपको पानी में? नहीं नहीं, कुछ स्टील वगैरह कुछ भी नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं ना? नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि मैं अभी आया हूँ ना। पान का ही दुकान है ये। अच्छा अच्छा, पान का दुकान है। हाँ, यही रहता हूँ। तो यहाँ पे स्टील मिसिंग है, यहाँ पे स्टील नहीं डाल रहे ना? कोई स्टील नहीं, एक भी स्टील नहीं कहीं पे डाले हुए, नहीं डाले ना। और एक महीने से कोई 3 महीने से काम चल रहा है, 1 महीने से इधर खुदाई हो चुकी है, कई गाड़ियां पलटी हो चुकी है, और आगे भी और बाइक वगैरह भी कई घटना घट गई है, और कई हॉस्पिटल बच्चे पहुंच चुके हैं आदमी। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात देखे, यहाँ पे इन लोगों को पूरा एक तरफ से, जी जी जी, 1 महीना हो गया ना इसको गड्ढे को खोद के, और 3 महीने से काम चालू है, कोई भी यहाँ पे कुछ मतलब शासन या प्रशासन कुछ देख नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लेनी होती है, जो भी रोड के ऊपर चालू ट्रैफिक में जो काम चलता है, तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स आते हैं कि आप पहले एक तरफ से रोड को कवर कीजिए, डाइवर्जन दिखाइए, डाइवर्जन साइन आपको कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये रात के अंधेरे में यहाँ पे अगर गाड़ियां आएगी तो किस तो मुमकिन है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कहीं आपको डाइवर्ट, हाँ बोलिए बोलिए। दिन पहले एक गाड़ी पलटी हो गई है, एक गाड़ी का दो टायर इधर गया। अभी 15 दिन पहले घटना घटी। हाँ मालूम है, वो बड़ी, हाँ, हाँ, बड़ा ट्रक था ना, वो बड़ा ट्रक था। एक अभी एक हफ्ते पहले उधर आगे घटना घटी है, वो गाड़ी का नीचे हो गया। अच्छा, खड्डे भी नहीं भरते बीच में। हाँ, जो बीच का खड्डे है ना, वो भी नहीं भरते। और इधर भी, मेरे इधर भी कई घटना घट चुकी है। देखो उधर 1 महीना हो गया, इधर डाले हुए हैं और इधर कुछ भी डाले नहीं अभी तक। वो देखो, अच्छा, आगे पूरा खुदाई करके छोड़ दिए थे। बाप रे बाप, मतलब एकदम लापरवाही से काम चल रहा है। लापरवाही से एकदम, मतलब ये रोड का देखो आज भी क्या भी बनाया, देखो क्या हालत है। हाँ, हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने इसकी बात कर रहा था। ये बताइए, ये देखिए ये फट गया। रुक जा, ट्रक को जाने दे, उसके बाद में दिखा। देखिए दोस्तों, कितनी हेवी व्हीकल्स यहाँ से पास होती है, और उसके बाद में ये हाल है। देखिए, ये अभी फट चुका है यहाँ पे, ये रोड जो है, क्या आप बताइए इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहेगी? और भरी बारिश में ये काम चल रहा है, तो आप बताइए कि जब एक बारिश होगी तो ये सारी चीजें जो है धुल जाएगी, सारी सीमेंट धुल जाएगी। काम करिए, जनता के हित के लिए करिए, ना कि खुद के मुनाफे के लिए करिए, ना कि खुद के नफे के लिए करिए। यहाँ पे ना सेफ्टी मेजर्स है, सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई सेफ्टी का, आपको ना किसी का शूज दिखेगा सेफ्टी का, ना किसी के हाथ में ग्लव्स दिखेगा, ना किसी के सर पे हेलमेट दिखेगी। इस तरह से ये लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। रास्ता चालू है, और रास्ते चालू होने के बाद में जो है इतनी लापरवाही से काम हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, हम दोबारा वहां पे जाके बात करेंगे और सेफ्टी के बारे में पूछेंगे। ओ भाई साहब, इधर सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं है क्या कोई? 6 बजे कौन रहेगा? अरे 6 अभी बजा कहाँ है? नहीं, आप लोग करते हो काम तो कुछ सेफ्टी वगैरह का कुछ दिया नहीं आप लोग को? हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे ना, खाली चैनल लगा रहे हैं, चोरी होता है रात को। अच्छा, कम से कम 50 काम का चोर हुआ। हाँ हाँ, चलते भी रात से खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा, तो स्टील आप बोल रहे थे अभी डालेंगे इसके ऊपर, तो स्टील का गाड़ी कहाँ है, कहाँ आए, कब आएगा? स्टील का गाड़ी नहीं रहता है, फिर 30 मीटर में आधा दिन रहता है बस, उतना ही डालता है। अच्छा, टेंडर में उतना ही है, टेंडर में उतना ही है क्या? नहीं, उसको पूरा नीचे स्टील रहता है ना, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया गया। एस्टीमेट पुराना है, जो पाइपलाइन में काम चल रहा है उधर एस्टीमेट है। हाँ, में वो है साइड में भीम रहता है, इधर नहीं, वो काम में नहीं, उसमें एक काम में नहीं। तो ये फिर ये टिकता है, ऐसा टिकता है क्या? ठीक है, इसमें स्टील नहीं रहेगा तो वो छोड़ देगा ना बारिश के अंदर? नहीं नहीं छूटेगा नहीं, वो साइड में रहता है, अभी ये सिस्टम में तो नहीं है। अच्छा, तो आप क्या पीडब्ल्यूडी से? क्या पीडब्ल्यूडी? क्या आप इंजीनियर है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर है तो इंजीनियर सबका? इंजीनियर साहब अभी भिवंडी में आएगा, इंजीनियर तो रहना चाहिए ना यहाँ पे, अभी खड़ी डालने का टाइम है, तो ये टाइम पे तो रहना चाहिए ना इंजीनियर साहब। हाँ साहब, कैसा है, 3-4 ठिकाने में काम चालू है। हाँ, तो कौन सा ठिकाना में बोलो ना, मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी राव साहब भिवंडी में। क्या नाम है राव साहब? परदेशी। परदेशी, अभी जब तुम जब बोलेगा नीचे पूरा जाली डालो, उसका जब टेंडर में पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं डालेगा? बरोबर है, तो मतलब उसका टेंडर में है नहीं ये टेंडर ऐसा है कि तुम्हारे पास पुराना टेंडर है, तो इसका लाइफ रहेगा क्या? मेरा बोलने का मतलब, क्योंकि इतना हेवी गाड़ी जा रहा है, ये हमारे जो भिवंडी के अंदर जितना भी रोड बना है, तो उसमें देखा है हम लोग ने ना, अंदर से जाली डाला है उसको, एम ठीक है। हाँ, उसको एम 60 माला और 6 इंच का कॉन्क्रीट है, उसका रेट अलग रहता है। हाँ, इसको जब 1000 रुपए रहेगा तो उसको 2500 रुपए रहता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हेवी गाड़ी है तो यहाँ पे ज्यादा रेट रहना चाहिए ना। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे दोबारा आए हैं, इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है, और यहाँ पे जैसा कि हमें कल बताया गया था कि 9 बजे गाड़ी आएंगी, तो मिक्सर की गाड़ी यहाँ पे आई है, और वो जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सर होता है वो यहाँ पे डाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने कल बताया था कि बीच में कहीं भी स्टील नहीं डाला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे
ये गाड़ी है लेकिन आपको कहीं भी स्टील नहीं दिखेगा, एक बात। दूसरी बात, जब हमने इनसे बात किया स्टील के बारे में तो इन्होंने कहा कि हम लोग स्टील का बार डालते हैं हर 30 मीटर पे, लेकिन 30 मीटर से भी ज्यादा देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, हम आपको बताएंगे पूरा, कहीं पे भी जो है स्टील बार नहीं नजर आया। और जब हमने ये उनसे पूछा कि हमने भिवंडी शहर के अंदर जब हमने देखा कि जो रोड बन रहा था कॉन्क्रीट का, तो उसके नीचे पूरा स्टील बिछाया गया था और उसके ऊपर मिक्सर डाला गया था, तो उनका कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है चीजें वेरी होती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो रहा है, इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है। ये सारी बातों की पुष्टि अब हमें एमएलए रईस शेख साहब कर सकते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था और किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, कितनी ईमानदारी से काम चल रहा है, ये हम रईस शेख साहब से भी पूछेंगे और जानेंगे कि अगर ये काम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चल रहा है तो इस रोड की क्या ड्यूरेबिलिटी रहेगी। हम बार बार यही चाह रहे हैं कि भले काम कैसा भी हो, रोड जो है वो एक दो बारिश में खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट का रोड है, बार बार नहीं बनता है, एक बार बन गया तो उसे अच्छा बनना चाहिए। मुनाफा अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों को जो परेशानी होती है, जो उसकी वजह से हादसे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, यही हम चाहते। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे के ऊपर एक बार एमएलए रईस शेख से बात करने की और जानना चाहेंगे कि क्या सारा मुद्दा है, क्या सारा मामला है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या चीज़ें यूज होनी चाहिए थी। जो हमसे कोशिश हुई, जो हमसे बन पड़ा, वो हमने आपके सामने रखा है, आपके समक्ष रखा है। आगे की बात हम करेंगे रईस शेख से और जानेंगे कि क्या है इसका सारा मामला। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।